तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो युगांडा मेंस कबड्डी लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का भाई यहां पर 67वां मैच जो कि खेला जाएगा किटारा केसी वर्सेज कंपाला केसी के बीच में। अब इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैच अब से कुछ घंटे बाद खेला जाएगा, टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन दोनों टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक एक प्लेयर के बारे में ऑलमोस्ट सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो भाई वीडियो को एंड तक देखोगे तो 101% आप इसका फायदा भी उठा पाओगे। अब अगर यहाँ पर भाई बात करें मैच की, तो मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भाई 25 लाख रुपये की ग्रैंड लीग भी लगी हुई है। अब इस ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट के लिए भाई मैं आपको 6 GL की टीम प्रोवाइड करवाऊंगा। वो कहां पर मिलेंगी? वो मिलेंगी भाई आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और भाई सबसे बड़ी बात देखिए, मैं आपको बार बार एक चीज बोलता हूं कि टेलीग्राम चैनल है ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के फर्स्ट कमेंट वाले लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा। आप में से काफी लोग सर्च करके ज्वाइन करते हो, वहां पर भाई आप किसी गलत चैनल पर फंस जाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूं टेलीग्राम पर आइए, वहां पर विनिंग देखिए, वन साइडेड अल्ट्रा क्लीन स्वीप लगातार मैं आपको करवा रहा हूं, और इस तरीके से इस मैच में भी आपको वन साइडेड अल्ट्रा क्लीन स्वीप देखने को मिल सकता है। बस आपको वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो के लॉजिक को समझना, और उसके बाद भाई आप खुद से भी कुछ जीएल कॉम्बिनेशन बनाकर ट्राई कर सकते हो। और यहां पर भाई काफी ज्यादा अच्छे चांसेस है कि हमारी यहां पर काफी शानदार रैंक आ सकती है। मैं रैंक एक को टारगेट करके नहीं चलता, रीजन है उसका, क्योंकि रैंक एक को अगर आप टारगेट करोगे ना तो मैं गारंटी ले रहा हूं आप अच्छी टीम बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिर आप लोगे अननेसेसरी रिस्क। देखिए चाहे कुछ भी, अननेसेसरी रिस्क कहीं पर भी जरूरी नहीं होते। सबसे पहली बात, यहां पर अगर बात करें हमारा मेन टारगेट यहां पर रहता है कि हम कम से कम 11 से 20 या 5 से 10 मेंबर में आ जाए, तो 2000 4000 1500 रुपए, इतने रुपए अगर हम यहां से कमा रहे हैं एक मैच से, तो भाई मेरे हिसाब से काफी अच्छी अर्निंग हम यहां से कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, यानी कि इस मैच की, इस वीडियो के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो टेलीग्राम पर आएगी। बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की, तो यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले भाई यहां पर किटारा केसी और कंपाला केसी इनको देखते हैं। कंपाला केसी यहाँ पर भाई बिल्कुल वीक टीम है, इस सीजन की सबसे कमजोर टीम, सबसे आप मान सकते हो कि भाई खराब परफॉर्मेंस करने वाली टीम है। वही अगर बात करोगे किटारा केसी की, तो वन ऑफ द बेस्ट टीम मैं इसे बोल सकता हूँ, मतलब ये नहीं बोल रहा कि सबसे बेस्ट है, बट टॉप 5-6 में ये आ जाते हैं। अब अगर बात करें भाई पॉइंट्स टेबल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट्स टेबल में सबसे पहले भाई यहाँ पर देखेंगे किटारा केसी की, 9 मैच में से 6 मैच जीते, 3 मैच आ रहे, प्लस 171 का स्कोर डिफरेंस है। यहाँ पर भाई एक बात आपको बताता हूँ, जो यहाँ पर भाई कंपाला केसी की टीम है 13 मैच में भाई कल इन्हें पहली जीत मिली थी, वही अगर बात करें 12 मैच आ चुके, -491 का स्कोर डिफरेंस है भाई, -491 का, आप समझ रहे हो मतलब किस लेवल पर चल रहा है इनका। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर, तो लास्ट मैच जो इन्होंने विन किया वहाँ से भाई इनके शायद कुछ चांसेस बने चेंज होने के, बाकी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके, इसमें कोई भी दिक्कत मतलब सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन भाई टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद भी अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो नेक्स्ट सीजन के लिए इन्हें मतलब काफ़ी ज्यादा मतलब एक तरह से आप मान सकते हो कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब अगर भाई यहां पर बात करें तो पॉइंट्स टेबल में आपने देख लिया, अब आपको क्लियरली अंदाजा हो गया होगा कंपाला केसी और यहां से भाई किटारा केसी में से कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है। टेलीग्राम पर आपको मैं लेकर चलता हूं एक बार, कल की अगर बात करें तो कल भी आपके भाई ने लगातार आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवाई थी, यहां से आप देखोगे तो भाई आपको क्लियर पता लग जाएगा कि यहां पर जीएल मिनी जीएल में भी हमने काफी अच्छी रैंक दी थी, जहां पर भाई कल जो WPL का मैच था उसकी जीएल टीम से, यहाँ पर आप देख सकते हो 54,12,000 स्पोर्ट्स में भी यहाँ पर हमारी भाई 3,000 से भी कम की रैंक आई हुई है, तो आप समझ सकते हो किस लेवल की प्रिडिक्शन रही होगी। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऊपर 24,000 स्पोर्ट्स में यहाँ पर भाई हमारी रैंक 10 आई थी। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे भाई 12,000 स्पोर्ट्स में यहाँ पर हमारी रैंक आई थी भाई 1,000। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। स्मॉल लीग की अगर बात करें तो स्मॉल लीग वन साइडेड आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवा रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, लगातार विनिंग चल रही है भाई, बार बार बोल रहा हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बात करें अगर कबड्डी की, तो कबड्डी में भी कल आपके भाई ने काफी शानदार विनिंग करवाई है, यहां पर आप देख सकते हो कबड्डी में भी लगातार अच्छी खासी विनिंग हमारी चल रही है। अब अगर यहां से देखोगे उससे पहले क्रिकेट मैच में, ये सिर्फ कल कल की विनिंग है, कल भी भाई हम यहां पर हमने कबड्डी के मैच में किटारा केसी का ही मैच था जिसमें हमने मिनी जीएल भी विन की हुई है। अब अगर बात करें भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए
मैं आपको टीम बना के दिखाता हूँ। अगेन आपको बता दूं, जो अभी हम बात करेंगे ना दोस्त, ये एक डेमो टीम होगी। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, जो आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। यहाँ पर अगर बात करें एच असिम्बे की, बहुत ही शानदार प्लेयर है, 101% आप इसे अपनी टीम में रख सकते हो। लास्ट मैच में भाई इनका भी अपनी टीम को जिताने में काफी बड़ा योगदान था, 7 टैकल बंदे ने करके दिए, बहुत ही शानदार प्लेयर है, 100% ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा ई काटुमा की बात करें, लास्ट के 2-3 मैच में अच्छी खासी परफॉर्मेंस की है, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। सी कटाम्बा की बात करें यहाँ से, तो सी काटाम्बा भी भाई काफ़ी ज़्यादा शानदार प्लेयर है भाई। एक बार मैं आपको एक एक करके प्लेयर बताता हूँ, एक एक करके। यहाँ पर अगर बात करें तो ई काटुम्बा को आप अपनी टीम में रख सकते हो। इसके अलावा टीम ओकिसा की बात करें तो जीएल मिनीजीएल में ट्राई कीजिएगा। सी काटाम्बा मस्ट पिक रहेगा अगर खेलता है तो। लास्ट मैच में फ्लोप रहा है, उससे पहले खेला नहीं है, उससे पहले भी एक मैच में फ्लोप रहा है, लेकिन उससे पहले लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आपके लिए मस्ट टॉपिक हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करें तो आई वाल्या लास्ट मैच खेले नहीं, अगर खेल जाते हैं तो भाई 100% आपकी टीम में रहेंगे, इवन कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे। ई कसोजी की बात करें तो जीएल मिनीजीएल में आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो, 101% आपके लिए काफ़ी शानदार वर्क कर सकते हैं। लास्ट मैच में हमारे जो वीसी थे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर बात करें तो 169 पॉइंट इन्होंने दिए, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी। आई भाई बात करें, इन्होंने भी काफी शानदार परफॉर्मेंस दी थी, इन्होंने भी काफी अच्छी विनिंग हमारी करवाई थी। डी कुमुसिमे की बात करें, जीएल मिनीजीएल में आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा बात करें भाई सामने वाली टीम की, कंपाला केसी की, यहां से अगर बात करें तो आपको ज्यादा अच्छे प्लेयर नहीं दिखेंगे। एम अबाबली को आप अपनी टीम में रख सकते हो, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं जब से खेला है, 100% आप इसे अपनी टीम में रख सकते हो। जे किटामने की बात करें, अगेन एक शानदार प्लेयर, ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहां से भाई आपको जे अरोमा दिखेगा, जो लास्ट के 2 मैच में कमाल करके आ रहा है, इसे भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। बात करेंगे डिफेंस की तो यहां से भाई आप एच असिम्बे को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। लास्ट मैच में सभी प्लेयर्स की आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, इसका एक रीजन है क्योंकि लास्ट एक ऐसा मैच था इनका जिसमें इन्हें जीत हासिल हुई थी 12 मैच की कंटिन्यू हार के साथ, तो इसीलिए बोल रहा हूं यहां पर इनके लास्ट मैच में सभी प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी। ए ओवेस गिरे की बात करें तो इन्होंने भी ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस दी हुई है। अब चलिए भाई यहां से टीम बनाते हैं, थोड़ा सा फेवर अभी भी मैं करके चलूंगा किटारा केसी की टीम को, तो चलिए मैं आपको टीम बना के दिखाता हूं। एच 100% हमारी टीम में रहेंगे। सी कटाम्बा को हम अपनी टीम में रखेंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन में इनोसेंट वाल्या को अपनी टीम में रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर भाई आप अपनी टीम में रख सकते हो जे अरोमा को। बात करेंगे यहां पर तो भाई आपको ए गोलूबा आई कियम्बा दिखेंगे। इसके अलावा भाई एक प्लेयर जो आपको ट्राई करना है वो यहां से भाई आप ट्राई कर सकते हो एम मबाबली को। भाई ये बंदा है ना, एक कमाल कर रहा है, रेडिंग डिफेंस हर तरीके से पॉइंट दे रहा है। अगर आपको थोड़ा डिफरेंट जाना है तो जे किटामने भी आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हो, आप इसे भी अपनी टीम में रख सकते हो। कैप्टन की बात करें, नो डाउट कैप्टनसी यहां पर एक गुलुबा को दे रहा हूं। वीसी की बात करें, नो डाउट यहां पर भाई आई वाल्या को दे रहा हूं। अगर भाई यहां से एक चीज मैं आपको बता दूं, आई वाल्या या एक गुलुबा नहीं खेलता तो सीवीसी का तीसरा दावेदार रहेगा भाई एम मबाबली। यह चीज आपको ध्यान में रखनी, बहुत ही शानदार प्लेयर है, 100% आप इसे अपनी टीम में सीवीसी के तौर पर ट्राई कर सकते हो। टीम प्रीव्यू की अगर बात करें तो एक बार टीम से होकर आपको मैं टीम का प्रीव्यू भी दिखा देता हूं। कुछ इस प्रकार की टीम आपको अभी हमारी दिखेगी। कोई भी चेंजमेंट होता है, कुछ भी अगर अपडेट होती है तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारी फाइनल टीम होगी दोस्त वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा, किसी फेक चैनल पर पहुंचोगे खामखा लूट जाओगे। कल भी एक बंदे के मैसेज आए थे कि उसे किसी ने झूठे में बोला, मतलब ये झूठ ही होता है भाई, ये सच हो ही नहीं सकता, किसी बंदे ने उसको बोला कि मतलब मेरे नाम से चैनल उसने बना रखा है फेक, और भाई फिर आके बोला कि भाई मैं आपको रैंक एक दिला दूंगा गारंटी के साथ, बस आप मेरे को 8,000 रुपये दे दो, उसने दे दिया और उसने उसको ब्लॉक कर दिया। तो भाई ये सीन काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो लिंक है ना वहीं से आपको ज्वाइन करना है, बाकी कहीं से भी ज्वाइन नहीं करना है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।